मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। अब हाई स्कूल की तरह ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हायर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट तैयार करने के और क्या विकल्प हो सकते हैं, शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए गठित मंत्रियों का समूह इस पर अपनी राय देगा। प्रदेश में 7.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 20 जून से परीक्षा कराने की तैयारी कर ली थी। इस बीच सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। ऐसे समय जब पूरा देश और प्रदेश कोरोना का संकट झेल रहा है, तब बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आएंगे, इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया गया है जो विशेषज्ञों से बात कर रिजल्ट का तरीका तय करेगा। अगर 12वीं का कोई बच्चा बेहतर परिणाम या सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारी अनमोल है, करियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। सीएम के अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं ना कराने का निर्णय पहले ही किया गया था। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगर 12वीं का कोई बच्चा बेहतर परिणाम के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो 12वीं की परीक्षा दे सकेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर 12वीं का कोई बच्चा बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर परिणाम के लिए या परिणामों में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो 12वीं की परीक्षा दे सकेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।